लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कोलकाता की गलियों में साड़ी ले लो की आवाज लगाने वाले बिरेन कुमार बसाक ने अपनी किस्मत के आगे कभी हार नहीं मानी और सफलता हासिल करने के लिए जी जान लगा दी। दरअसल बसाक अपने कंधे पर साड़ियों को लादकर गली गली घूमकर साड़ी बेचा करते थे। वह कभी एक बुनकर के यहाँ 2.5 रुपए दिहाड़ी पर साड़ी बुनने का काम किया करते थे, लेकिन उनकी मेहनत ने अपना रंग दिखाया और अब वे साड़ी कंपनी के मालिक हैं। आपको बता दें कि बिरेन कुमार बसाक बसाक कंपनी के मालिक हैं। उनकी साड़ी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है। नदिया जिले के बिरेन कुमार बसाक ने 20 साल पहले 6 गज की एक साड़ी बुननी थी, जिस पर उन्होंने रामायण के 7 खंडों को उकेरा था। धागों में रामायण उकेरने की तैयारी में उन्हें 1 साल लग गया था, जबकि उसे बुनने में करीब 2 साल लगे थे। उन्होंने साल 1996 में इस साड़ी को तैयार किया था। नदिया जिले के फुलिया इलाके के हथकरघा बुनकर बिरेन को ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने उनके इस कार्य के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन की वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया था। बसा की 6 गज की यह जादुई कलाकृति उन्हें इससे पहले भी राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड, संत कबीर अवार्ड दिला चुकी है। इसके अलावा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड यूनिक रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। खबर थी कि मुंबई की एक कंपनी ने साल 2004 में बिरेन कुमार बसाक को इस साड़ी के बदले में 8 लाख रुपए ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। उन्होंने साल 1987 में साड़ी की अपनी पहली दुकान खोली। उस वक्त उनके पास सिर्फ 8 लोग काम करते थे। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला गया। आज वह हर महीने हाथ से बनी 16,000 से ज्यादा साड़ियां देश भर में बेचते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उनके यहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई और वे करीब 5,000 बुनकरों के साथ काम कर रहे हैं। अब उनकी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए हो गया है।